guys, and welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope my crazy people are doing great. So I actually want to discuss with you all, and discuss is why I'm saying, because मुझे आज ऐसी फिल्म देखने मिली जो इतनी बकवास थी. मतलब मुझे एक्चुअली गुस्सा डायरेक्टर पे इतना नहीं आ रहा जितना मेरे दोस्त पे आ रहा है, क्योंकि उसने वो फिल्म देखी थी और मुझे बोला कि नहीं नहीं तू भी जाके देख, बहुत अच्छी पिक्चर है. अब वो मुझे मिले किधर, मैं उसका सर ना फोड़ दूं. ओके सो मुझे पहले अभी ये कैमरा प्लेस करने. ओके सो लेट्स गो नाउ. हाँ तो मैं ये बता रही थी कि मुझे वो मिल जाए, मैं उसका सर ना फोड़ दूं, क्योंकि ऐसे दोस्त होने से बेटर है दुश्मन. कैसा है, तुम मिल जाए मुझे कहीं पे, मुझे सवेरे से दिखा नहीं है वो. एनीवेज सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी कॉल्ड जजमेंटल. है क्या मतलब, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस, मतलब शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस, एंड दे हैव आई कांट इवन से मिसयूज्ड हर. व्हाट द हेल वाज शी डूइंग इन दैट फिल्म, हाउ कैन दे ब्लडी डू दैट. मतलब मुझे चाय इतनी पसंद है. तो अगर आपने मेरे पहले का ब्लॉग देखा होगा, मुझे चाय बहुत पसंद है, एंड इस मूवी के इंटरवल में लिटरली मैंने चाय नहीं पिया है, क्योंकि मैं कहा कि भाई इस फिल्म पे मैं 120 या 140 की चाय है, पता नहीं, आई एम नॉट गोना वेस्ट दैट मच ऑफ मनी ऑन दिस पैथेटिक फिल्म. ये कोई फिल्म है? मतलब क्या 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 प्रॉब्लम क्या थी डायरेक्टर को हमसे, क्या क्या पुराने पिछले जन्म का कुछ दुश्मनी निकाल रहे थे वो हमसे? क्यों बनाते हैं पिक्चर ऐसे यार, क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ साइको है आप डायरेक्टर साहब? आपको मुझे लगता है असाइलम की जरूरत है? इतनी गंदी फिल्म, वो भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को लेकर, कंगना को, हाउ कुड यू मेक सच ए फिल्म? इट इज सो बैड. आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय 120 रुपीज ऑन दैट ब्लडी फिल्म, इवन दो आई लव चाय, आई डिडंट वांट टू वेस्ट दैट मनी. जस्ट इमेजिन, एंड दैट फ्रेंड ऑफ माइन, तुम मिल मेरे को. मतलब ये डायरेक्टर साहब को कुछ तो मतलब है इशू. मतलब क्यों ये कोई ऐसे फिल्म क्यों बना, क्या मतलब क्या ये फिल्म बनाने का? आई वॉन्ट टू नो, लिटरली आई वॉन्ट टू नो ये फिल्म बनाने का मतलब क्या, रीजन क्या, मैसेज क्या है, क्या क्यों बनी ये फिल्म, क्यों? उसमें वो कैरेक्टर साइको हो या ना हो, मतलब मैं तो साइको हो गई हूँ देख देख के. इतना मतलब मैंने कहा चलो अभी फिल्म में कुछ अच्छा होगा, अभी फिल्म में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है. अभी ये सोचे कुछ अच्छा, ये क्या पागलपंती थी? वो पीछे से कोई एनिमेटेड लोग आ रहे हैं, उसके दोस्त, कौन करता है ऐसा? हाँ व्हाट इज ऑल दिस. लिटरली मैं वो फिल्म से निकलकर मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ. तेरे को रस्ते में मिलूंगी, रस्ते में मारूंगी तेरे को, मैं पटक पटक के मारूंगी तेरे को, तू छुप जितना मर्जी. हाँ नीलू फिल्म जाके देख, बहुत बढ़िया फिल्म देख ले. वो तू बेटा तू तो बचेगा नहीं, अभी तू मिल मेरे को. धोखे से ना उसको अभी बुलाया है, सो एक मिनट होल्ड कर लेना, टेक माय पर्स. ओके तो मैंने अभी उसको बुलाया है कि भाई कोई काम है, अब वो आ रहा है, अब देखो उसका क्या हाल करते हैं. Let him come. Guys, I think वो आ गया. नहीं यार अभी तक नहीं आया वो, मुझे लगा वो पिछला वाला है, पीछे जो गया. कहाँ से आ रहा है ये? अभी तक आया नहीं है वो. उसको पता था ना लग गया कि मैं इसकी बैंड हो जाने वाली हूँ. इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, just said he's 2 minutes away. अभी तो बचेगा नहीं, अभी तो गया काम से. इनटू फराज हाउस, तो उसी घर पे बच्चे, मतलब मेरे सिस्टर्स किड्स, तो आई एम बाइंग सम चिप्स एंड ऑल. सो चलो लेट्स गो टू द ग्रोसरी शॉप एंड बाय सम चिप्स फॉर द किड्स. I think I'll buy this and
I'll buy Doritos and maybe some of this. So that's it. भैया इनका कितना हुआ? कितना? 35 ना? ये लीजिए. खोले दरवाजा. यहाँ से क्यों? देखो मैं क्या लाई? क्या लाई? आप लोगों के लिए नहीं है. जी. आप लोगों के लिए नहीं है. नहीं है. ले 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 लो लो लो. Having the chips, the kids enjoyed the chips a lot. Let's see what they're doing now. Moisa, did you like the chips? Yes. किसी को कुछ बोलना है क्या? किसी को कुछ बोलना है? किसी को खाला. हाय हाय हाय. किसी मिल गई खाला को. उमर उमर कौन सा आला है? अली किसी. हाँ मजा आ गया. आई थैंक यू मेरी जान. अच्छा मेरा नाम क्या रखा तुम लोगों ने? फूल खाला. थैंक यू. फरा भी चाय बना रही है मेरे लिए एंड होपफुली ये चाय 10 मिनट में ही बन जाए क्योंकि यूजली फरा चाय जो है पाया की तरह बनाती है उसको 1 घंटा लगता है. एनी नॉनसेंस. नो नॉनसेंस. नो नॉनसेंस. मतलब पाया भी बन जाएगा पर इसकी चाय नहीं बनेगी. मेरा पाया 1 घंटे में नहीं मतलब मेरा पाया 5 घंटे में. पाँच घंटे वो है. 5 घंटे में भी नहीं बनेगी. हाँ तो मैं बोल रही थी फरा गुड़ वाली चाय नहीं गुड़ वाली चाय कैसी बनती है क्योंकि मेरी तो फटती है. सॉरी मेरी नहीं दूध की फटती है. दूध फट जाती है. एनीवे शी इज बिजी ऑन अ फोन कॉल. यार आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि गुड़ वाली चाय फट जाती है आपकी? मेरी तो हमेशा फट जाती है. बट इट इज वेरी वेरी हेल्दी टू हैव गुड़ वाली चाय. अभी देखते फरा क्या बोलती है कैसे बनाती है वो गुड़ वाली चाय. कैसे बनाते? मिल्क अलग से बॉइल कर चाय अलग से बॉइल कर. तो मिल्क तो गुड़ किसमें मिलाना है? चाय पत्ती में. जब चाय डाल तो उसमें मिलाना है. फिर दोनों को एक साथ डालना है. दोनों उबलेंगे तो हाँ, एक साथ डालना है. एक साथ दोनों को उबालेंगे ना. हाँ अच्छा तो एक डाल दिया फिर चूल्हा बंद कर दो. चूल्हा क्यों बंद करेगी? कप में पहले चाय डाल या फिर दूध डाल. हाँ ऊपर से दूध डालो फिर मिक्स ऐसा करके बॉइल नहीं करना. एक साथ बॉइल नहीं करना उसको. अच्छा एक साथ बॉइल करने से फट जाती है. एक साथ बॉईल करने से फट जाती है. गाइस फरा की चाय फॉर द फर्स्ट टाइम जल्दी बनी है. अजरा चाय ना. आह चाय अच्छी बनी. मस्त एकदम बहुत अच्छी बनी. चलो अरे बैठ जा वापस आ जा. अच्छा आ रही तो बैठ जाती हूँ. आह चाय. So guys, I'm going home now and यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू है तो हम लोग लिफ्ट से नहीं जा रहे. हम लोग वी आर गोइंग डाउन बाई स्टेयर्स एंड मुझे अकेले डर लगता है इसलिए आई टोल्ड दीज टू किड्स टू कम अलॉन्ग विद मी टिल द कार. तो फिर आप लाइक माई ब्लॉग डू कमेंट. संभाल के चलो. Okay, thank you for watching this video. If you have liked it, do subscribe to my channel and do like and comment and share. Okay, bye.